हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मस्ती मैजिक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रवे से बनने वाले लड्डू की रेसिपी। ये देखिए बहुत ही मजेदार लड्डू लगते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में इसे बनाया जाता है और दिवाली में स्पेशली हम ये लड्डू बनाते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसे और बताते हैं आपको इसका तरीका। एक पैन को गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ घी। घी गर्म होने के बाद हम उसमें डाल देंगे ये बादाम जो छोटे छोटे पीसेस में हमने इसे कट किया है, कुछ पिस्ता और कुछ काजू, सब हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं। बस इसे अब हम इसमें थोड़ा सा भून लेंगे। आपको जो पसंद के ड्राई फ्रूट्स है आप इसमें डाल सकते हैं। बस ये हो गया है, थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसे निकाल देंगे और हम इसमें भून लेंगे मनुके या रेजिन्स, फिर इसमें भून लेंगे ये जब तक फूल ना जाए। ये भी हो गए, इसे भी निकाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें रवा 2 कप। अगर आपके पास बारीक रवा है तो आप वो यूज करें। अब इसे हमें भूनना है, रवे को इतना भूनना है कि उसका खुशबू आने तक उसे चलाते रहना है पर उसका कलर चेंज नहीं करना है हमें। इसमें हम 3 टेबलस्पून और घी डाल देंगे। देखिए इस लड्डू में अराउंड टोटल हमें 1/2 कप घी डालना है बट हम बैचेस में इसे डालेंगे धीरे धीरे कर। बस अभी से हम और भून लेंगे। देखिए रवा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें डालेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट 1/3 कप। अब इसे भी हम थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। कोकोनट को भूनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसलिए हमने इसे बाद में डाला है और रवे को पहले भून कर ले लिया है। अच्छी तरह से हमने इसे 5 to 10 मिनट्स तक भून लिया है। ये देखिए अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे हम ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट कर रखे थे, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अभी हमें ये हो गया है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे पाउडर शुगर 1 कप और इलायची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। बस इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये घी जो हमने रखा था, बस इसमें हम अब पूरा डाल देंगे और दूध डालेंगे 1/2 कप। बस सबको अच्छे से मिक्स करना है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं। अब अच्छे से मिक्स कर इसके लड्डू बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह से हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि जो इलायची पाउडर होता है, घी होता है, वाह उसी से इतना, और जैसे ही हमने उसमें शुगर डाला उसके बाद ही इसकी खुशबू आना शुरू होती है। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इस तरह से इसे प्रेस करेंगे, ये आसानी से प्रेस हो जाता है। बस इसे अब शेप देंगे। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मजेदार है, आप लोग इसे जरूर बनाना और हेल्दी भी है रवे के लड्डू। वाओ, बच्चों को आप ये दे सकते हैं, कभी भूखे हैं तो हेल्दी स्नैक्स होता है ये, आप ये बनाकर रख सकते हैं उनके लिए। इसे भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं अराउंड
वन वीक तक ये फ्रेश रहता है। ये देखिए ये हो गया है ना, परफेक्टली लड्डू लग रहा है, वाओ। और अगर आपको लग रहा है कि आपके लड्डू प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, आपको सूखा सूखा लग रहा है, छूट रहे, तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमने भी इसमें और दूध ऐड कर लिया है और अब ये बहुत आसानी से और इजीली बन रहे हैं। ये देखिए बस इसी तरह से हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो आप लोग भी इसे जरूर बनाना और हमें बताना कमेंट कर कैसी बनी आपके ये लड्डू। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट से लड्डू बन रहे हैं और टेस्टी भी। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलो फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।